हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम। सो हमने यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिया है। यह हमने गेहूँ लिया है 2 कप, एक मुट्ठी मूंग की दाल, चने की दाल 1 मुट्ठी, उड़द दाल 1/2 कप, तुअर दाल 1/2 कप लिया है, और ये चावल लिया हमने 1 कप। ये हमने मकाई लिया है जो कि हमने स्टॉक में रखा था। ये हमने गोश्त लिया है, 1 किलो गोश्त है हमारा। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। यह हम उबालने के लिए हमने गेहूँ रखा है कुकर में, और इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, इसमें हम पानी ऐड करेंगे 2 ग्लास हम पानी ऐड कर लेंगे, और इसे हम 15 मिनट तक बॉईल होने देंगे। यह हमने लिया है कुकर, इसमें हम दाल उबाल लेंगे, दाल चावल। इसमें हमने पानी ऐड करना है, 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। यह हमने हरी मिर्ची ली है, 3 हरी मिर्च जो कि ऐड कर लेंगे। अब हम हमारा दाल चावल जो कि हमने लिया था वो ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, इसे भी हम 15 मिनट तक उबाल लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से उबल जाए। ये हमने 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है। नमक ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें हम मकई ऐड कर लेंगे। टू कप ऑफ मकई है, अच्छे से चला लेंगे, और देख सकते हैं आप ये उबाल आ चुका है। इसे हम ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक रख देंगे। ये हमने प्याज करी थी, 4 बड़ी प्याज जो कि हमने स्लाइस करी है, इसके हम बिलिस्ता बना लेंगे। यह हमारे मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, मटन मसाला 1 टेबल स्पून, और ये ज़ीरा लिया है हमने, और ये कसूरी मेथी, और ये नमक ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, और ये धनिया लिया है। ये हमारे खड़े मसाले हैं, आप देख सकते हैं तेजपत्ता 3, स्टार फूल, जावेत्री, बड़ी इलायची, दालचीनी, और ये 3 हमने छोटी इलायची ली है, और ये हमारी लौंग, और ये काली मिर्च। सो गाइस, तेल गरम हो चुका है, इसमें हमने प्याज ऐड कर लिया है बिलिस्ता के लिए। अच्छे से हम चला लेंगे लाइट ब्राउन होने तक, इसे जलने ना दीजिएगा, नहीं तो इसका कड़वापन नहीं अच्छा लगता है। सो गाइस, ये हमारी बिलिस्ता रेडी है। अब हम कुकर में गोश्त बॉईल कर लेंगे गाइस, तेल गरम हो चुका है, गोश्त ऐड कर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून, इसे हम 25 मिनट तक उबालेंगे ताकि हमारा गोश्त जो कि है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक डाला है। ये हल्दी डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, और हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून,
और ये हमने थोड़ी सी प्याज रखी थी साइड में, वो ऐड कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले ऐड कर लिया है। इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इसे हम सीटी लगा लेंगे 25 मिनट तक। इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, हाफ ग्लास पानी ऐड कर लेंगे, चला लेंगे। और अब हम इसे ढक कर रख देंगे 25 मिनट तक। सो गाइस, ये हमने तपेली ली है, उसमें तेल गरम हो चुका है हमारा और इसमें खड़े मसाले हमने ऐड कर लिया है। सो गाइस, हमारा गोश्त जो है बॉईल हो चुका था, इसका हमने स्टॉक लिया है, इसे हम मसाले में ले लेंगे यूज़ के लिए। और गोश्त को हम बाद में भूनेंगे, पहले हम अदरक लहसुन का जो पानी है उसे हम अच्छे से मसाले, खड़े मसाले के साथ भून लेंगे 10 मिनट तक। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया है। आप देख सकते हो गाइस, अच्छे से हम भून लेंगे। सो ये हमारा 10 मिनट हो चुका है भून के। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, मटन मसाला, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेंगे। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। और ये 3 टमाटर की जो कि हमने प्यूरी करके रखी थी वो ऐड कर लेंगे। आप इसके इंग्रेडिएंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो गाइस। दस मिनट तक हम भूनेंगे, नमक ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा मसाला कच्चा ना रहे। सो गाइस, हमारा ये गेहूं और दाल जो कि है बॉईल हो चुका है, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से ताकि इसके लम्स जो है वो ना आए। ठीक हमें करना है।
अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारी दाल जो कि है ब्लेंड हो चुकी है अच्छे से, आप देख सकते हैं। ये हम गेव ले लेंगे, ये हमारा बॉईल हो चुका है। इसमें पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये इसके लम्स ना आए और ये मुंह में भी ना आए, नहीं तो हलीम हमारा अच्छा नहीं लगता है गाइस। इसे अच्छे से हमें थिक ग्रेवी जितना ब्लेंड करना है। सो ये हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब हमारा मसाला जो कि रेडी है, उसमें गोश्त ऐड कर लेंगे, हमने बॉईल कर लिया था 25 मिनट तक। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मसाला के साथ गोश्त हमारा भून लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से लेना, मैंने अपने हिसाब से लिया है, मुझे कम लगा था तो मैंने ऐड कर लिया। अच्छे से 10 मिनट तक इसे भूनेंगे। सो गाइस, अब हम इसमें बिलिस्ता ऐड कर लेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है हलीम में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दाल चावल जो कि हमने ब्लेंड किया था वो ऐड कर लेंगे और गेहूँ ऐड कर लेंगे, हमारा दोनों चीज़ जो हमने ब्लेंड किया था वो। अच्छे से मिला लेंगे सारी मसाले के साथ सारी चीज़ों को। आप देख सकते हो गाइस, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है हलीम। माशाल्लाह ज़रूर करिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा मेरे इंस्टा पर। ये हमारा हलीम जो कि है रेडी है, आप देख सकते हो। अब हम इसका इसमें हम बघार के लिए रेडी करेंगे। ये हमने तेल लिया है, इसे गरम होने देंगे, इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे, अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। ये हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हो गाइस। इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे हलीम जो कि हमारा रेडी है उसमें बघार देंगे चारों तरफ से।
सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा हलीम जो कि है रेडी है बनके। इसे हम गैस पर रख देंगे लो फ्लेम पर। पाँच मिनट के लिए। सो गाइस, हमारा हलीम रेडी है, आप देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।